क्या अविद्या नाम अंतस्थ मेरा मिहिर द्विपन गिरे जगनाम चैतन्य सबक से नए वीडियो के साथ मैं फिलहाल मैं आया हूं बाइक हेवन में नए वीडियो नए स्टॉक के साथ यहाँ कुछ स्पोर्ट्स बाइक ज्यादा सारा स्पोर्ट्स बाइक जैसे RR5 KTM ड्यूक RC सारा का सारा बाइक अवेलेबल है। गाइस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं कौन सा बाइक क्या प्राइस है। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सर क्या प्राइस है हिमालयन का आपका होगा? ये 8 महीने का गाड़ी है, 7,500 किलोमीटर चला हुआ है, फर्स्ट ओनर का गाड़ी है। 1,90,000 1,90,000 थोड़ा सा मिलेगा बस। बगल में MT 50 इसका क्या प्राइस? MT 11 महीने का गाड़ी है, ये 9,000 किलोमीटर रनिंग है, फर्स्ट ओनर का गाड़ी है ये भी। इसका हम लोग लेंगे 165। और उसके बगल में ड्यूक का आज के पास कुछ ज़्यादा ही ड्यूक का कलेक्शन है, RR5 KTM का कलेक्शन ज़्यादा है, KTM का ज़्यादा कलेक्शन है। इसका क्या पड़ेगा? इसका 18 का गाड़ी है, ये भी फर्स्ट ओनर का गाड़ी है। इसका हम लोग मांग रहे हैं 145। और उसका बगल में रेड एंड व्हाइट कलर में जो NS है 21 का NS 200 12,000 किलोमीटर रनिंग है। इसका हम लोग मांग रहे हैं 1,15,000 थोड़ा सा मिला देंगे। कोई नहीं, 1,15,000 में इतना अच्छा कंडीशन में देखने में कुछ भी स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं है। और बगल में देख सकते हैं एक डोमिनार है 400, उसका क्या पड़ेगा? वो 18 का डोमिनार है, इसका हम लोग मांग रहे हैं 1,15,000 कितना कम, 1,15,000 में आपके NS 1,15,000 में डोमिनार दोनों 1,15,000। और वहाँ पर RR5 है ब्लैक कलर में, उसका क्या पड़ेगा? इसका हम लोग मांग रहे हैं पूरा पूरी 1,15,000 भी है। मतलब तीनों बाइक NS लो, डोमिनार लो, V3 लो, 400cc लो या 200cc या 150cc एक ही दाम मिलेगा। तो गाइस देख सकते हैं तीनों बाइक एक ही दाम में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत कम नेगोशिएट हो जाएगा, फाइनेंस में हो जाएगा। और आपका अगर यहाँ का डॉक्यूमेंट है तो फाइनेंस जल्दी हो जाएगा। बाहर का डॉक्यूमेंट अगर रहा जैसे कि जलपाईगुड़ी तो सर फाइनेंस में थोड़ा दिक्कत होगा, लॉगिंग होगा, उसके बाद ही पता चल सकता है भैया। और बगैर डिस्प्ले जो किया हुआ है थोड़ा बहुत गंदा है, वो आपको टाइम सर्विसिंग करके दिया जाएगा। और पूरा पूरी सर्विसिंग, मोबाइल चेंज, आपका छोटा जैसे इंडिकेटर, ये सब जैसे हम लोग के पास ही टूट जाता है, ठीक है, वो सब नॉर्मली हम लोग तो छोटा मोटा रहता है, वो सब कर देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डोमिनार एक और है, पूरा पूरी लोडेड गाड़ी एकदम, डोमिनार 400 ब्लैक कलर में, इसका क्या प्राइस पड़ेगा? 21 का सितंबर का गाड़ी है, 8,000 जेनुइन चला हुआ है। इसका हम लोग मांग रहे हैं 185 प्लस, इसमें पूरा पूरी लोडेड है, और यहाँ पर देखते हैं और एक RC 125 21 मॉडल, इसका हम लोग मांग रहे हैं 140 में RC 125 मिल जा रहा है। इसमें भी थोड़ा बहुत लेवल हो जाएगा, पहले से थोड़ा मॉडिफाई वगैरह किया हुआ है। और वहाँ पर देखते हैं R1 ये11,000 किलोमीटर चला हुआ है। इसका हम लोग मांगे 165 है, ज़्यादा चला हुआ नहीं। और देख सकते हैं ये भी आपका अच्छा कंडीशन में, इसमें आप करेंगे नेगोशिएबल हो जाए। इसमें डाउन पेमेंट करना चाहते कितना हो जाएगा? 55 से 60 अरे 50 से 60 तक हो जाएगा। और बगल में एक और जैसे है, ये आपका KTM ड्यूक 200 है ना, 390 है, अच्छा 390 है, ड्यूक 390 है, 21 सितंबर का गाड़ी है, सिलीवी नंबर का गाड़ी है। इसका हम लोग मैं 240। और बगल में एक RR5 ये भी है, इसका ये 5 महीने का गाड़ी है, बस 5 महीने गाड़ी है, 9,000 किलोमीटर चला हुआ है, ये भी फर्स्ट ओनर का गाड़ी है, एकदम फ्रेश कंडीशन में, एकदम देख के लग रहा फ्रेश कंडीशन है, एकदम नया गाड़ी है। ये गाड़ी का मांग है हम लोग 190। गाइस देख सकते हैं यहाँ ज़्यादातर बाइक सब 4 महीना 5 महीना 1 साल इसी के अंडर में ज़्यादातर गाड़ी सब है। और इसके कंडीशन आप लोग बोलते हैं कि दाम ज़्यादा पड़ता है, तो गाइस एक बार आप शोरूम का चक्कर घूम लीजिएगा नया गाड़ी का क्या दाम है, और उससे आगे यहाँ पर देख लीजिए 5 महीना 4 महीना, तो आपको पता चल जाएगा। आपको 50,000 बच रहा है तो आपको दिक्कत होता है, और वही आप 1,00,000 रुपया इंस्टॉलमेंट देंगे वो आपको दिक्कत नहीं होती, इसलिए आप लोग कमेंट करते हैं ज़्यादा दाम है। तो गाइस एक बार सोच लीजिएगा, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिएगा सेकंड हैंड लेना है या फिर पुराना लेना है। 5 महीने में बहुत सारा डिस्काउंट मिला है, 50-60,000 रुपया बच रहा है, उसमें दिक्कत नहीं, वो लोग दिक्कत है, और वही 1,00,000 रुपया इंस्टॉलमेंट देंगे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, वो दिक्कत नहीं है। और बगल में जैसे 200 है, 21 का 200 है, ये आपका आपके लिए छोड़ देंगे पूरा पूरी 1,65,000 थोड़ा सा मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा ऑन टेबल। और देख सकते हैं एक एडवेंचर है भैया के पास, अभी एक ही एडवेंचर है, उसका क्या प्राइस पड़ेगा? ये पहले आप लोग देख चुके हैं, 21 का भी पहले 8,000 या 9,000 किलोमीटर चला हुआ है, ये देखना पड़ेगा आपका। ये हम लोग मांग रहे हैं अभी 180 गाइस, 180 में आपका एडवेंचर मिल जा रहा है। और बगल में एक बहुत पुराना बाइक पहले का है रखा हुआ है, उसका क्या पड़ेगा? उसका 2,25,000 में छोड़ देंगे, 2,25,000 तो गाइस फिलहाल अभी इतना बाइक ही स्टॉक में, और भी नया बाइक आएगा तो मैं आपको नया वीडियो बना के बता दूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।